अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन अमीबा, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर अमीबा की बात की जाए तो इसके अंदर जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, मतलब सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो डाइजेशन कर रहा है उसका नाम क्या है, अमीबा। ये खाता है किसको, फीड किसको करता है, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदारों को खाता है या ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। अब खाने का तरीका अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल ये एक अमीबा है और ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे ये इसके पास आता है तो इसकी बॉडी के ऊपर से निकला हुआ हिस्सा जिसको सीडोपोडिया कहते हैं वो इसके इर्द गिर्द रैप कर लेता है, लपेट लेता है। जैसे सीडोपोडिया आपस में फ्यूज होता है, आपस में मिलता है, तो ये जो खुराक का छोटा सा पार्ट है वो नीचे अंदर आ जाता है फूड वैक्यूल की शक्ल में। मतलब किसने क्या किया, इंजेस्ट ऑफ फूड, खुराक को निकला थ्रू सीडोपोडिया, सीडोपोडिया की मदद से वो अंदर इंजेस्ट करता है। सीडोपोडिया होता है क्या, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का निकला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, सीडोपोडिया। सबसे पहले क्या करता है, पुट सीडोपोडिया अराउंड द फूड, ये खुराक के इर्द गिर्द सीडोपोडिया को व्रैप कर लेता है। जैसे व्रैप कर लेता है, सीडोपोडिया फ्यूज टुगेदर, वो आपस में मिलता है अराउंड द फूड, देन फॉर्म अ फूड वैक्यूल। जैसे वो आपस में सीडोपोडिया मिल जाता है, ये अंदर जाके फूड वैक्यूल की शक्ल में खुराक आ जाती है। जैसे ही आप देखेंगे फूड वैक्यूल अंदर आ जाए तो सबसे पहले फूड वैक्यूल तो बन गया, दूसरे नंबर पर इसका साइज छोटा होता है वैक्यूल का, तो क्या होगा, डिक्रीज द साइज ऑफ फूड वैक्यूल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो इस वैक्यूल के अंदर से पानी बाहर निकलता है और इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके होने के बाद यही वैक्यूल के साथ एंजाइम अंदर दाखिल होंगे और वो लाइसोसोम के एंजाइम आते हैं और जो कि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब कि फूड वैक्यूल कंटेन एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम और वो क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इसी वैक्यूल के अंदर सारी के सारा जो खुराक है उसको तोड़ दिया जाता है लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से। उसके बाद इसके अंदर से चैनल बनती है और ये जो चैनल है ये पूरे के पूरे खुराक जो डाइजेस्ट हो चुकी है पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने में मदद देती है। तो लास्ट में रेडिएट होती है चैनल, कहाँ से रेडिएट होती है, फूड वैक्यूल से, जो ट्रांसपोर्टेशन करती है डाइजेस्टेड फूड को। आखिर में जो बच जाता है वेस्ट मटेरियल उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, उसको इजेशन का काम कहते हैं। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि आपने एज इट इज लिखेगा, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।